हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर सर। आप लोग देखते रहिए और लाइक और कमेंट करिए जो नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा या किसी कोण पर प्रवेश करे, व्हेन चार्ज इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल। इससे पहले हम दो चीज़ों का डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मतलब उसके समांतर गति करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता तो उसका पाथ डेविएट नहीं होता, वो सीधी रेखा में चला जाता है। दूसरी कंडीशन इसी का हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, मतलब जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो हर जगह क्या लगता है, फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। इसकी हम रेडियस, टाइम पीरियड, ढेर सारी चीजें फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल ना तो पैरेलल जा रहा है मतलब समांतर, ना परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, अब वो किसी कोण पर मतलब वो जीरो और नब्बे को छोड़कर, जीरो नाइन्टी को छोड़कर कोई भी कोण बना रहा हो, तब उसका मार्ग मतलब पाथ कैसा होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, उसका हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे हमने एक फिगर दिखाया है या थ्री डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड, और हमने मान लिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। अब कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया और मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ थोड़ा सा समझाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल पर एंटर किया, तो आंसर है एट एनी एंगल, किसी कोण पर, ना जीरो पर ना नाइन्टी पर, दो तो हम बता ही चुके हैं ना, तो ना जीरो पर ना नाइन्टी पर, तो ये प्रवेश किया किसी कोण पर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल बन गया, हाँ इतने कोण पर भी कुछ भी हो सकता है जीरो नाइन्टी को छोड़कर। अब हम ये देख रहे हैं कि इसका एंगल ये है, तो इसमें एक चीज होती है कि जब ना वो क्षैतिज हो मतलब हॉरिजेंटल, ना वर्टिकल हो मतलब ऊर्ध्वाधर, तो क्या करते हैं उसको दो कंपोनेंट में मतलब दो घटकों में डिवाइड करते हैं, दो घटक कौन, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो इसको भी बेटा हम वही करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे करने वाले हैं, इस बी को रिजॉल्व करने वाले हैं एक ऐसे और एक ठीक है। तो इस बी को जब रिजॉल्व करोगे, वियोजित करोगे, तो आपने पढ़ा होगा जहाँ कोण होता है वहाँ कॉस, जहाँ कोण नहीं होता वहाँ साइन, साइन बिल्कुल। तो इस दिशा में कोण है तो यहाँ पर क्या जाएगा, वी कॉस थीटा, और इस दिशा में एंगल नहीं है तो आ जाएगा वी साइन थीटा। अब तुम मुझे बताओ जो वेलोसिटी है कण की, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मतलब वेग है, वो कितने दिशाओं में हो गया, दो दिशाओं में, एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, अरे उसी की दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर पिछली दोनों केस आ गई है, जो पैरेलल वाली और परपेंडिकुलर वाली। देखिए अगर ये वी कॉस थीटा से चलेगा, उसको छोड़िए पहले, मान लीजिए v sin थीटा, तो v sin थीटा जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, 90, वेरी गुड। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर, वेरी गुड, सर्कुलर, कैसा हो जाता है, सर्कुलर। तो ये जो ऐसे हुआ पाथ, ये किसके कारण हुआ, क्यों क्यों हुआ, क्योंकि v sin थीटा और b के बीच कितना एंगल है, 90, और जब 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको कैसा कर देगा, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार कर देगा। दूसरी कंडीशन देखिए, और उसके इस वेग के साथ साथ ये वाला भी तो है इसमें v cos थीटा, और v cos थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्या इस पर फोर्स लगेगा, नहीं, तो ये कैसा चलता जाएगा, मतलब अगर सर्कुलर करेगा तो v sin थीटा और आगे ले जाएगा तो इसका हुआ क्या, जो ऐसे गोला चक्कर बन रहा था ये अपनी जगह नहीं रहेगा, ये ऐसे 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 लगातार क्या होगा, चलता जाएगा, मतलब इसकी सही पोजीशन ये। तो बताओ बेटा इसमें ये सर्किल किसके कारण आ रहे हैं, ये जो सर्किल है, ये सर्किल सब सर्किल है, ये सर्किल मतलब वृत्त किसके कारण आ रहे हैं, वी साइन थीटा।
लेकिन ये सर्किल आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आगे किसके कारण होगा? वी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि वी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो आगे चलता है। तो इस कारण से ये जो पाथ आप देख रहे हैं ऐसे कि सर्किल भी बन रहे हैं और साथ ही साथ आगे भी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? कुंडलिनी है, क्वाइल। क्वाइल सब सुने हो? हेलिकल। तो हेलिक्स बन गया, ये हेलिकल पाथ है, कुंडलिनी है। तो कुंडलिनी, कुंडली मतलब जैसे हमने आपको बताया था कि एक तार लीजिए और पेन ले लीजिए, पेन में उस तार को क्या करिए, ऐसे लपेटना शुरू कर दीजिए और तार, फिर पेन को आप निकाल लीजिए, तो जो शेप बनेगी उसी को आप, स्प्रिंग जैसा होगा उसी को आप हेलिकल, हेलिक्स या क्वाइल या उसी को कुंडलिनी कहते हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा किसी कोण पर प्रवेश करेगा उसका पाथ कैसा होगा? कुंडलिनी। तो तीन प्रकार के पाथ मिल गए, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और कुंडलिनी। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट देन द पाथ इज हेलिकल। तो हेलिकल मतलब इस आकार का। हेलिकल क्यों बना? क्यों? क्योंकि सर्कुलर किसने बनाया? परपेंडिकुलर वाले ने। और आगे किसने बढ़ाया? समान थीटा ने। तो इन दोनों कंपोनेंट का यहाँ रोल है, वही हम इस फिगर में क्रिएट करेंगे। तो देखो, मान लीजिए कि ये ऐसे चला, यहाँ 3D बना सकते हैं आप लोग, ऐसे ये लगातार आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये क्या है इसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक हम ले लेंगे और दूसरा परपेंडिकुलर। तो इस कितना एंगल दिखना चाहिए इन दोनों के बीच? तो बेटा ये हमारा जो है ये उल्टा टी जानते हो? ये 90 डिग्री का संकेत होता है, ये जीरो का संकेत होता है। अगर बनाना चाहो, नहीं बनाना चाहो तो इसी को लिख सकते हो आप। देखिए यहाँ कितना एंगल से इंटर कर रहा है ये? थीटा। थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन में थीटा क्या जाएगा, वही लिख रहे हैं जो इसमें लिखा है और इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो वी, ये पैरेलल वाला दे सकते हो, इसी को आप कह सकते हैं वी कॉस थीटा। इस प्रकार से पाथ हो जाएगा। अगर आप इसमें देखना चाहें इसकी त्रिज्या रेडियस, ये क्या कहलाएगी? आर। इन दो के बीच आधा आधा है, तो ये पिच कहलाती है। पिच क्या होता है अभी हम आपको दिखाएंगे, तो इतना आपको ध्यान देना है। देखिए तो इसमें ये फिगर आप बना ही लेंगे, जानकारी के लिए ये भी फिगर हो जाएगा आपका। तो हमने इसमें लिख दिया है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी कोण थीटा पर मतलब तिरछा प्रवेश करता है तो चुंबकीय बल कितना लगता है? F=qvb sin θ। के कारण उसका मार्ग कैसा हो जाएगा? कुंडलिनी, हेलिकल हो जाएगा, हेलिक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दोनों घटकों के कारण, हमने आपको दिखाया हुआ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स इन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल तो ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज पाथ विल बी हेलिकल एज शोन इन फिगर। और हम पढ़ चुके हैं कि जो हेलिकल पाथ आया है तो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ बिल बी R=mv/qv। हम पढ़ चुके हैं ये कहाँ से आया था, तो आपको ध्यान होगा हमने किया था क्या, मैग्नेटिक फोर्स और इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स को इक्वल कर देते हैं तो यही आपका आंसर आ जाता है। तो लेकिन ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी वाली? यहाँ दो वेलोसिटी है, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, एक पैरेलल। तो जो सर्कुलर बनाता है, सर्कुलर कौन बनाता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाला आया, तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है उल्टा टी, है ना। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? वी साइन थीटा। तो जहाँ वी आया वहां क्या लिख दिया आपने? वी साइन थीटा। R=mv/θ/qv। ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या। अब देखो हमने कल जो टाइम पीरियड दिखाया था, कल का मतलब है जो सर्कुलर वाले में टाइम पीरियड दिखाया था, तो उसमें कहीं भी आर नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड आर पर डिपेंड नहीं करता है, केवल आर ही तो चेंज हुआ है। तो टाइम पीरियड आर पर डिपेंड है ही नहीं, तो टाइम पीरियड भी डिपेंड मतलब चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी।
तो हाँ वेलोसिटी वगैरह चेंज हो सकती है, मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से पिछला और ये वाला डेरिवेशन एक सा ही है, आप कनेक्ट हो जाएंगे। हेलिकल पाथ जो बना था, हेलिकल पाथ का पिच क्या है? पिच, तो पिच ऐसे समझ लीजिए, पिच एक डिस्टेंस है। पिच कौन सी डिस्टेंस है? तो जैसे आपने ये देखा था, ये हेलिकल पाथ है, ये सर्किल है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो गई, या इसको आप ऐसे नहीं लेना है तो आधा पार्ट इसका ले लीजिए और आधा पार्ट इसका ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? पिच या चूड़ी अंतराल। तो लेकिन ये कहाँ की ओर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक रोटेशन में, समझिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर होती है उसी को हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिकल पाथ। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एक सर्किल पूरा करने में या एक वृत्ताकार मार्ग पूरा करने में जितनी दूरी तय होती है उसी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो देखो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या? दूरी बराबर चाल गुणे समय। इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, दूरी की जगह हम किसको ले रहे हैं? पिच को। तो पिच को आप पी कह लीजिए, ठीक है, पिच पी। चाल, तो किस चाल से आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ले जाने वाला कौन है? वी साइन थीटा या वी कॉस थीटा? चित्र देखिए आप लोग, कौन ले जा रहा है इसको आगे? वी कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखना था और कुछ नहीं है। तो कहने का जो स्पीड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली, वो कौन सी है? वी कॉस इनटू टाइम। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्त। मतलब टोटल टाइम इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। एक हिसाब से एक आंसर है। अगर आपको टाइम पीरियड का मान रखना है तो वी कॉस थीटा टू पट्टी, पट्टी क्या आपका वही टू पाई आर नहीं रखेंगे जो आया था कहीं पर, क्यू बी अपॉन टू पाई एम अपॉन क्यू बी। ये भी रखा जा सकता है। तो इसको अब पिच का यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, क्योंकि दूरी दूरी है, मीटर या छोटा मात्रक सेंटीमीटर या छोटा और मात्रक मिलीमीटर हो जाएगा। तो लिख लीजिए, इतना आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिखो